ये चारों टावर्स कितना एरिया टोटल, ये 19 एकड़ का ये पीस ऑफ लैंड है जो बहरिया टाउन से इन लोगों ने पैरागॉन मैनेजमेंट ने अवेल किया, और इसका सिर्फ 20% एरिया, ये जो कंस्ट्रक्टेड एरिया आप लोगों को नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 20% एरिया, ठीक है। और ये पूरे बहरिया टाउन में ये लोग चैलेंज करते हैं कि अभी तक डिजाइन किया गया ये बना हुआ कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें 20% एरिया कंस्ट्रक्टेड हो और बाकी सारे का सारा एरिया इस तरह फैमिलीज के लिए या रेजिडेंट्स के लिए ओपन अमेनिटीज के तौर पर छोड़ा गया हो। अब इसमें मस्जिद ओपन आप लोगों को नजर नहीं आ रही, लेकिन ये टावर बी और सी के सेंटर में पीछे जाके एक जगह है, वो मस्जिद के लिए इन लोगों ने स्पेसिफिक की है, और रेजिडेंट्स के लिए एक छोटी सी मस्जिद माशाल्लाह बाकायदा तौर पे जिस तरह हमें हर पिशिंग में बहरिया टाउन में नज़र आती है, वो मस्जिद आप लोगों को कुछ अरसे के बाद यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को इन्वाइट करने का मकसद ये है कि रेड बॉक्स और PPL हम लोगों ने कुछ इन्वेंट्री जो कि यूनिट्स मैं शेयर कर लेता हूँ, 275 यानी कि 300 के करीब करीब हमारे पास यूनिट्स थे, इस वक्त तकरीबन 250 के करीब करीब यूनिट्स हैं जिसमें शॉप्स भी शामिल हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं इन चारों टावर्स के, ठीक है। उसमें आप लोग 50% डाउन पेमेंट दे के टावर ए में या टावर बी में शिफ्ट भी हो सकते हैं, बाकी पेमेंट अदायगी आप लोग वहाँ रिहाइश रख के दे सकते हैं। अच्छा, ये वाली ऑफर भी पूरे बहरिया टाउन में शायद ही किसी ने दी हुई है, अगर किसी को हम गाइड किया गया था तो वो हम लोगों ने गाइड किया, या इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है सवाई पैरागॉन,